सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गई यहाँ पे सुबह झाड़ू पोछा का काम शुरू हो गया था मॉर्निंग में। सबसे पहले अधिकतर सबके घरों में यही काम होता है साफ सफाई का, तो मेरा भी बच्चों को छोड़ के ये सफाई का काम शुरू हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी टाइम है दोपहर के लगभग 1:30 बजने वाले हैं, 1 बज के हो रहे हैं 24-25 मिनट। और मैं गई थी पीहू को लेने आधे रास्ते तक, तब तक इसके पापा का फ़ोन आया कि मैं पीहू को लेके आऊँगा। मैं इसी तरफ आ रखा हूँ कुछ काम से, कुछ सामान लेने इन्होंने जाना था, तो मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गई। बस पहुँचने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाऊँ। और आज मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया सुबह से लेकर के, ये तो काम इतने रहते, जब तक काम सारे ना निपटाओ ना तब तक काम पर लगे रहो, फिर ध्यान भी नहीं रहता है ब्लॉग बनाने का। तो बस सारा काम हो रखा है, बच्चों का इंतज़ार है, बच्चे आएंगे फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। हस्बैंड जब सुबह आए थे ड्यूटी से और आके ही तुरंत चले गए थे बहुत सारा सामान खरीदना है अभी, तो तब से बाहर ही हैं, वो आए नहीं घर में। तो इन्होंने कहा कि पीहू को मैं ही लेके आऊँगा, और थोड़ी सी लेट अगर उसके लिए हो जाएगी ना तो बहुत गुस्सा हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर इनको थोड़ा टाइम लग जाएगा स्कूल में आने में, तो थोड़ी सी भी अगर लेट जाए ना पेरेंट्स, तो बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अरे इतने लेट क्यों आए, जल्दी क्यों नहीं आए, ये सो। तो खाना बन रखा है, दाल चावल रोटी झंगोरू ये सब मैंने बनाया हुआ है। तो यार अभी दोपहर को ना गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, विंडो खोल लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे बन रही है इवनिंग की चाय और दूध लेके मैं आ गई थी, तो साथ ही साथ दूध भी गर्म हो रहा है और चाय मैं बना रही हूँ शाम के टाइम की। और आज कुछ काम भी करवा रहे हैं हम घर में, तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ शाम के टाइम पे। तो अभी दिखा रही हूँ मैं क्या बनवा रहे हैं, हम कुछ काम करवा रहे हैं बाहर ड्राइंग रूम में। टीवी के लिए शोकेस बना रहे हैं और ऐसे मतलब अलमीरा टाइप का ही लगा लो, उसमें नीचे कुछ सामान रखने के लिए ड्रॉर्स वगैरह भी। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ बाहर और आज ऐसे हो रखा है ना घर की हालत। वैसे ये काम तो बाहर कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर में इसको फिट करने में कचरा तो हो ही जाता है। देखो सारा ऐसी हालत हो रखी है घर की। तो ये देखिए इसमें नीचे ड्रॉर है, यहाँ बीच में आ जाएगी हमारी टीवी और साइड से भी बॉक्स, ये बॉक्स ऊपर वाले ओपन रहेंगे और नीचे वाले हम बंद कर देंगे इनको। देखिएगा ये जो इन्वर्टर है ये आएगा उस वाले में, लास्ट वाले में उसमें आएगा। इसमें इसमें कुछ ये भी पूरा बड़ा है, इसको खोल के दिखाना। इसमें सिलेंडर भी आ सकता है, कुछ भी सामान आ सकता है। और इसमें छोटे छोटे सेल्फ डाले हुए हैं बीच वाले में, अभी इसमें प्रोफाइल नहीं लगाना खोलने वाला, तो इसलिए अभी साफ नहीं दिख रहा है। और ये ऊपर वाले बॉक्स रहेंगे ओपन, पल्ली साइड वाले भी, और इस एरिया में बीच वाले में आ जाएगी टीवी। भले हमने छोटा बनाना था लेकिन बहुत बड़ा बना लिया, हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं ऊपर तक ही बनाओ ड्रॉर, ये वाले छोटे छोटे होने थे साइड वाले, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़ा बना लो। तो और ऊपर भी एक सेल्फ है, ऊपर भी कुछ रख सकते हैं सामान। और घर के आप देख लो अभी क्या दशा हो रखी है, देखिए पूरी हालत अस्तम व्यस्तम हो रखा है। ये वाला डोर आज मैंने बंद ही कर रखा है, सच में ऐसी हालत हो रखी है। ये देखिए और अभी टाइम क्या हो रहा है, कैसे 7:10 7:10 आज मैंने सब्जी लेने भी जाना भाई, कब जाऊंगी मैं, ये विंडो खुले रखना थोड़ा हवा तो आ जाए। सब्जी लेने भी जाऊंगा क्योंकि अभी ये गए नहीं, ये कारपेंटर वाले जो ये बाहर में काम कर रहे हैं ये अभी गए नहीं, तो उसके बाद ही मैं क्या पाँव में लग जाएगा। और ये है पीहू और ये है सपना यानी कि संध्या और अभी उसमें प्रोफाइल अच्छा नहीं लगी। ये देखो कितना अच्छा है, देखो नीचे वहां से नहीं खोलो ऊपर से लगेगा, कल लगेगा।
तो गाइज अभी मॉर्निंग की लगभग टाइम हो रहा है 8:30 बजे का, और मैं सुबह से ही लगी हूँ छत की सफाई करने में। 5:30 बजे से लगी हूँ, फिर बच्चों को थोड़ी देर बाद मैं नीचे गई, बच्चों को स्कूल भेजा, पीहू को छोड़ने जाना पड़ता है। उसके बाद पीहू को स्कूल छोड़ने के बाद फिर से मैं लग गई थी इसको साफ करने में, बस थोड़ा सा रह गया उस कोने में वहाँ लास्ट में। हालत ख़राब हो गई सच में, पूरी छत की धुलाई करते करते ना ये ड्रम भर रखा था, फिर पूरा नहीं हुआ, फिर मैंने ऊपर की टंकी से ये पाइप डाला, पूरा छत जो है एकदम क्लीन हो गया, क्योंकि जब छत में डैम प्रूफ करवाना होता ना उससे पहले एकदम साफ़ करना होता है, पहले झाड़ू लगा के उसके बाद धुलाई करके, तो अभी तो साफ़ हो गया। इससे पहले मैंने 2 बार इसको साफ कर दिया लेकिन फिर डैम प्रूफ करने वाला आया नहीं, फिर से धूल मिट्टी हो जाती है। 2-4 दिन में ही ऐसे हो जाता है कि इतनी रेत ही रेत हो रखी थी, धूल मिट्टी, बस लास्ट उस कोने में रह गई, थोड़ा वहाँ पे साफ़ करती फिर नीचे जाऊँगी। नीचे तो मैंने अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया, जैसे उठी थी वैसे मैं सीधा ऊपर छत में आ गई थी, और ये ऊपर वाला छत भी मैंने पहले साफ़ किया, पहले सुबह 5:30 बजे मैंने ऊपर वाला किया मोमटी वाला छत में, फिर यहाँ मैंने पाइप डाल दिया था ड्रम में, पीहू को रेडी करने गई, उससे स्कूल छोड़ के आई तब तक ये भर गया था, फिर तब से मैं लगी हुई हूँ इसकी सफाई करने में। तो देखिए बस पूरा क्लीन हो गया, अगर आज भी आएंगे ना वो दोपहर के बाद इसमें डैम प्रूफ कर सकते हैं, तब तक ये सूख जाएगा। चलिए थोड़ा सा वहाँ पे रह गया उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे।